ये गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi 13C मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हो, यानी कि अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, YouTube को मैंने लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए अभी फिंगरप्रिंट नहीं मांग रहा है, केवल पैटर्न डालने पर ये ओपन होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो अपने ऐप लॉक में। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन ऐप्स, आपको ऐप्स पे जाना है। उसके बाद ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने ऐप लॉक का पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर के साइड में देख पा रहे हो एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट अनलॉक, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे इनेबल करोगे तो आपसे फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो आपको फिंगर स्कैन करवा देना है। अब दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट ऐप लॉक जो है वो लग चुका है। मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर फिंगरप्रिंट का भी आइकन आ चुका है। जैसे मैं फिंगरप्रिंट देता हूँ तो ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हो।